हेलो गाइस, आज वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक ऐप के बारे में बताऊंगा। इस ऐप का नाम है ओलिम ट्रेड। इस ऐप की मदद से आप ऑनलाइन करेंसीज में ट्रेडिंग कर सकते हैं और विद इन 24 आवर्स ही आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा क्रेडिट कर देता है। लेकिन इसे ट्राई करने से पहले एक बार इसकी टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़ लीजिएगा और एक आर्टिकल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसका लिंक, और आप उस आर्टिकल को पढ़ के समझ सकते हैं कि कैसे लोग इससे पैसे कमा रहे हैं और कार वगैरह खरीद रहे हैं। तो एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शंस। और आज मेरे साथ है कनिका और खुशी। तो खुशी को तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, कनिका अभी नहीं आई है हमारे साथ, और कनिका काफ़ी दिन से आने वाली थी हमारे साथ बट कुछ बिजी शेड्यूल था इसका, बहुत बिजी है, बिजनेसमैन है, बिजनेस गर्ल है। सो मतलब बहुत सारे काम करती है, इनफैक्ट इंदौर में रहती भी नहीं है, बाहर ही रहती है मोस्टली। मॉडल है, एक्ट्रेस है, डांसर है, सो इसका काम बाहर ही चलता है। सो आज फाइनली ये आई है इंदौर, तो हमने सोचा इसे ले ही लेते वीडियो में। तो हम कुछ रिएक्शन वीडियोस शूट करने वाले हैं। खुशी भी अभी नहीं आई है बेसिकली, तो इन दोनों से हम आज जानेंगे कि इन्हें पाकिस्तान के बारे में क्या पता है और फिर डिसाइड करेंगे कि हमें इनका रिएक्शन लेना है या नहीं। तो चलो, पहला क्वेश्चन है तुम दोनों के लिए। ओके, पाकिस्तान का मीनिंग क्या है? और ऑप्शन में दे रहा हूँ तुम दोनों को, मुस्लिम लैंड, लैंड ऑफ रिवर्स, डिजर्ट, थर्ड है, फोर्थ ऑप्शन है हॉली लैंड, मतलब प्योर प्लेस। मतलब इतना कुछ खास तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान का मीन मतलब पाक, यानी मतलब शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो पवित्र। हाँ, जैसे वहाँ के लोग होते हैं। हाँ, प्योर। तो मतलब क्या हुआ, बोलो ना आगे बोलो। हाँ, पाक का मीन, पाक का मीन्स प्योर होता है, प्योर ही होता है पाक का, प्योर लैंड ऐसा भी बोल सकते हैं या फिर हॉली लैंड बोल सकते हैं। हाँ। तो चलो, कनिका को तो समझ में नहीं आया, उर्दू पता नहीं इसको आती है। तो सेकंड क्वेश्चन है, वहाँ के फर्स्ट जनरल गवर्नर कौन थे? ऑप्शन दे रहा हूँ तुम लोगों को, क्या बिना ऑप्शन के पता है इसको, फिर भी ऑप्शन सुन लो पहले। मोहम्मद अली जिन्ना सेकंड है। अरे ऑप्शन भी नहीं सुना, मतलब इसको पहले से पता है। हाँ, मतलब इसको पहले से ही पता था। चलो, मैं आई थिंक इसने देख लिया होगा, मैं छुपा लेता हूँ, फोन में लिखे मैंने कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? ऑप्शन देंगे प्लीज? ऑप्शन हाँ देता हूँ ना, ऑप्शन लाहौर, ऑप्शन बी कराची, ऑप्शन सी सियालकोट, ऑप्शन डी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद मतलब आई थिंक सो, कंफर्म नहीं पता। कंफर्म नहीं पता, तुम्हें पता है कंफर्म? लॉक किया जाए या नहीं किया जाए ये बताओ। अच्छा, लॉक कर दो। चलो मैं भी लॉक करके देखता हूँ। इस्लामाबाद करेक्ट आंसर है। yes. हमारे मोबाइल जी ने बता दिया है इस्लामाबाद करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट से रिलेटेड है। तुम दोनों में से कोई क्रिकेट देखता है? नो सॉरी, क्रिकेट तो नहीं। चलो ये बताओ, पाकिस्तान वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप कब जीता था? 1992, 1983, 1998 या फिर 1987? सॉरी, नो आईडिया। मैं बताता हूँ, पाकिस्तान 1992 में जीता था। okay. और कैप्टन कौन था? चलो दे दो, बाद में बताऊँ, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछना है अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है जो अभी अभी जीते हैं? यार, उनकी तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, इमरान खान। ये खुशी ने ना पहले ही वो वीडियो देख लिया था, इमरान खान के एक वीडियो पर हमने रिएक्शन किया था। ओके, तो इसे पता है, मुझे पता इसे है। नहीं पता है। तो थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड तो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अभी जो फिलहाल में कैप्टन कौन है? नो आइडिया। ऑप्शन दो क्या? हाँ,
ऑप्शन वन मोहम्मद आमिर, सेकंड फखर जमान, थर्ड थर्ड मोहम्मद आमिर और फोर्थ सरफराज खान। यार तुम दोनों एक एक के भी पीछे ऐसा मत बोलो यार, कुछ अलग अलग आंसर दो यार, तुम दोनों एक ही एक आंसर दे रहे हो। ये बोल रही मोहम्मद आमिर तो ये भी, ये बोल रही वो तो ये भी, वही बोल रही। अब उसने भी वही गेस किया, मैंने भी वही गेस किया, तो लॉक कर दूं? या कंप्यूटर जी, मोहम्मद आमिर लॉक किया जाए। अफसोस आपका जवाब गलत है। राइट आंसर है, बोला कि मैं श्योर नहीं हूं। राइट आंसर है सरफराज खान। पीके में डायलॉग था ना, सरफराज धोखा नहीं देता। अच्छा, राइट। तो उसको भी लोग ऐसे ही बोलते, सरफराज धोखा नहीं देता। नेक्स्ट, पता नहीं है ना यार, क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं, होता है। अच्छा, चार ऐसी सिटीज के नाम बताओ जो इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी। पंजाब, और गुजरात, और कश्मीर तो है, कश्मीर तो बच्चों बच्चों को पता है। और कौन सा नाम है? वैसे है तो और भी बहुत, लेकिन मैं चार ही पूछ रहा हूँ। कुछ समथिंग पंजाब से कुछ रिलेटेड है। पंजाब, कश्मीर, कुछ रिलेटेड नहीं है। गुजरात नहीं है। वही का पास का कुछ सिटी है। हाँ, वहाँ की सब सिटी पास पास में ही है। ये तो जवाब आप बता दो, आप बता दो यार। फोर्थ सिटी है हैदराबाद। ओह, हैदराबाद कभी सोचा था? पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी। अच्छा, कुछ कुछ पता है यार, कुछ कुछ चीजें। वैसे इन दोनों को काफी कुछ नॉलेज है पाकिस्तान के बारे में, कुछ कुछ नहीं भी। कुछ तो नहीं है, थोड़ा बहुत सीख जाएंगे, देखते देखते वीडियो देखते देखते सीख जाएंगे। अच्छा, एक नया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक सॉन्ग है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे थोड़ी सी, ये सॉन्ग किसने गाया है? ये पाकिस्तानी सिंगर है। ऑप्शन देता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन है अरशद सामी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अताउल्लाह खान, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन है तलाल अजीज, और सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है अदनान सामी। वैसे अदनान सामी अब पाकिस्तान के सिंगर नहीं रहे, वो अब इंडियन सिटीजन बन गए। तो उनके हाँ, उनकी वो कव्वाली भी सुनी होगी जो बजरंगी भाईजान में, भर दो झोली मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा है? इंडिया का पता है? चलो इंडिया का तो पता है, कम से कम इंडिया के बारे में तो है इनको इन्फॉर्मेशन। पाकिस्तान का मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं ऑप्शन तो सुन लो, ऑप्शन सुन लो। पहला ऑप्शन है रोज, सेकंड ऑप्शन है लोटस, थर्ड ऑप्शन है जैस्मिन, फोर्थ ऑप्शन है कैमोमाइल। जैस्मिन मतलब उर्दू वर्ड जैसा लगा, जैस्मिन तो जैस्मिन बोल दिया। मतलब इसको आंसर तो तुम्हारा राइट है, बट ये ना इसने ऐसे गेस किया है कि ये उर्दू जैसा वर्ड है ना, मैं समझ गया। कोई बात नहीं, कभी-कभी चीटिंग चलती। पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज क्या है? सभी को पता है, पता है यार। किसी को बताना नहीं। चलो बता दो यार, उन्हें तो सबको पता है, तुम्हें पता है या नहीं? उर्दू सभी को पता है। क्या बात, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है? हमको नहीं पता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम्हारी लाइन से, एक्टिंग लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का है, क्वेश्चन है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को किस नाम से बोला जाता है, बुलाया जाता है? ऑप्शन सुन लो, पहला ऑप्शन है टॉलीवुड, सेकंड ऑप्शन है मॉलीवुड, थर्ड ऑप्शन है लॉलीवुड, फोर्थ ऑप्शन है बॉलीवुड। आई थिंक लॉलीवुड, या बिकॉज़ सारे टॉलीवुड वगैरह हॉलीवुड, बॉलीवुड ये तो अलग हो गया, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप हो गया। दैट्स व्हाई। तुमने पहली बार सुना लॉलीवुड? हां, ये पहली बार सुना है। दैट्स व्हाई।
यार ये तीन चीजें तो इंडिया में, ये मॉलीवुड टॉलीवुड हाँ बॉलीवुड ये इंडिया में ही, और ये सारी चीजें तो सबको ही पता है, तो ये लास्ट ऑप्शन तो वही होगा। चलो शायद सही है। वहाँ का नेशनल ऑफ एनिमल कौन सा है? ऑप्शन सुन लो, मारखोर, बियर, लॉयन या फिर टाइगर। हम फर्स्ट वन। मारखोर। ये तो मुझे भी नहीं पता, क्या बात है। सही आंसर, सही बिकॉज़ जवाब। लॉयन टाइगर एंड ये तो तो इंडिया इंडिया में के ही हैं। है। तो वहां पर भी है, वहां के भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। बट ये इसका आंसर मुझे भी नहीं पता था, मैंने इसमें ही देखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बर्ड कौन सा है? ऑप्शन सुन लो, ईगल, क्रॉ, चकोर, पिकॉक। ये तो मुझे भी नहीं पता है। थर्ड वन चकोर। चलो देखते हैं किसका सही आंसर है। चकोर सिलेक्ट करता हूँ, चकोर सही है भाई, फिर से ही जीत गए। विच पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर रिसीव्ड इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी व्हेन ही अराइव बाय बस टू लाहौर। मतलब पाकिस्तान के जो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जब अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे बस से, तो उन्होंने रिसीव किया था उन्हें। तो ऑप्शन दे देता हूँ, नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, शुजात हुसैन और शौकत अज़ीज़। इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है। थर्ड वाला शायद। मतलब नाम तो पता ही नहीं, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल रहे हो। हाँ वापस से ऑप्शन हाँ बताइए। वापस से ऑप्शन। बेनज़ीर भुट्टो हाँ जिनको जिनका मर्डर हुआ था, गोली ओके मार दी थी। नवाज शरीफ जो पहले थे अभी से पहले, शुजात हुसैन जिनका नाम मैंने कभी नहीं सुना, थर्ड ऑप्शन है शौकत अजीज। बताओ। यार इसका तो सीरियसली कोई आइडिया नहीं है। शौकत अजीज शायद, नो आइडिया। नहीं नो आइडिया। ये इसका लकी ऑप्शन है सी, पता है। तो ये सी सी सिलेक्ट कर रही है, पता चल गया मुझे। सीरियसली मैंने गेस किया, मैं मुझे नहीं आइडिया था कुछ ये भी। तो चलो गेस भी सी नहीं सिलेक्ट क्योंकि करके करेक्ट। आपने ये कहा, आप ही ने मुझे हिंट दी कि ये नाम मैंने कभी सुना नहीं। सुना ही नहीं। करेक्ट हाँ आंसर है तो नवाज शरीफ जी, जो भी जेल में है, जेल। 10 साल के लिए जेल हुई है, करप्शन का केस था। ओके तो यार इन दोनों को काफी कुछ पता है पाकिस्तान के बारे में अभी, मतलब फर्स्ट टाइम के हिसाब से इन्होंने काफी सही आंसर दिए हैं। कुछ कुछ तो इनके साथ अब रिएक्शन वीडियो बनाया जा सकता है, तो हम कुछ वीडियोस अब शूट करने वाले हैं कनिका के साथ और खुशी के साथ। खुशी के साथ तो कुछ कर लिए, बट कनिका के साथ अब करने वाले हैं, तो शूट करेंगे तो आपको वीडियो ज़रूर दिखाएंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव।